नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है राजमंत्र के इस एपिसोड में। और आज बात करेंगे रेवाड़ी की, क्योंकि रेवाड़ी राजनीति का गढ़ है और उसके बावजूद भी रेवाड़ी में कुछ भी मौजूद नहीं है। कुछ भी का मतलब राजनीतिक तौर पे अहिरवाल का राजनीतिक गढ़ होने के बावजूद रेवाड़ी के अंदर विकास नाम मात्र का है या कहें ना के बराबर है। और रेवाड़ी तो शुरू से ही रावों की रेवाड़ी, और अगर कहें राव वीरेंद्र के समय से रेवाड़ी अहिरवाल की राजनीति का गढ़ रहा है। उसके बाद राव इंद्रजीत आए और उसके बाद रेवाड़ी की बात करें तो अकेले अगर रेवाड़ी विधानसभा या अगर रेवाड़ी शहर की ही बात कर लें तो रेवाड़ी के अंदर बहुत बड़े बड़े नेता हुए, जैसे कि कैप्टन अजय यादव, जो कि वहां से लगातार विधायक बनते रहे और लगातार 6 बार वहां से विधायक बने, जिनमें से 3 बार हरियाणा की राजनीति के अंदर वो कैबिनेट मंत्री भी रहे और उसके बावजूद भी वो रेवाड़ी का विकास नहीं करवा पाए। रावों की रेवाड़ी, बड़े बड़े नेता, लेकिन उसके बावजूद भी हाल जस का तस। इसका क्या कारण हो सकता है? ये राजनीति का गढ़ लेकिन विकास से बदहाल और बेहाल रेवाड़ी है। यहाँ पे नेता तो बहुत आते हैं और उभरने वाले नेता भी बहुत हैं, जो अपने आप को सोच रहे हैं कि जो संभावनाएं हैं यहाँ तलाशी जा सकती हैं। अब की बार भी अगर रेवाड़ी की बात करें तो वहां पे राव इंद्रजीत भी चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो वहां से चुनाव लड़े, या राव आरती खुद भी चाहती हैं कि रेवाड़ी से वो चुनाव लड़ करके जरूर देख लें। अगर पहले के दौरों की बात करें तो वहां पे पहले के दौर में यहां जब 6 बार विधायक बनना हुआ कैप्टन अजय यादव का, तो उस दौर में अजय यादव भी कांग्रेस में थे और उस दौर के अंदर राव इंद्रजीत भी कांग्रेस के अंदर ही शामिल थे। तो राव इंद्रजीत ने खुलकर कोई भी वहां पे विरोध अजय का, कैप्टन अजय यादव का नहीं किया और कैप्टन अजय यादव लगातार वहां पे बनते रहे विधायक और मंत्री भी बनते रहे। लेकिन राव के तो समर्थक थे, उन्होंने हो सकता है कि अंदर खाते साथ ना भी दिया हो, लेकिन विधायक बनने में कोई ज्यादा अड़चन कैप्टन अजय यादव को नहीं आई। लेकिन विकास तो वहां का उसके बावजूद भी नहीं हुआ। और एकमात्र बार की अगर बात करें उसके बाद में 2014 के चुनाव की बात करें तो उस समय पे राव इंद्रजीत बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और उसके साथ साथ जो कैप्टन अजय यादव हैं वो वहां पे कांग्रेस के अंदर ही थे और वहीं से चुनाव भी उन्होंने लड़ा विधायक का। तो अब की बार जो राव खेमा है वो बीजेपी का पक्ष लेता हुआ नजर आ रहा था, या बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा था, जो कि राव साहब की जितनी भी वोट बैंक है वो। और उसके साथ साथ जो रणधीर कापड़ीवास पिछले काफी समय से वहां पे चुनाव हारते हुए आ रहे थे, वो रणधीर कापड़ीवास राव के पास पहुंचते हैं, राव इंद्रजीत का आशीर्वाद लेते हैं और वहां से चुनाव जीत जाते हैं। तो यहां बीजेपी और राव इंद्रजीत दोनों का गठबंधन भी दिखाई दिया, जो उनकी वोटों का था वो। उसके बाद अगले चुनाव फिर से होते हैं और वहां पे जो बीजेपी का खेमा है वही राव इंद्रजीत के खिलाफ हो जाता है, वही रणधीर कापड़ीवास राव इंद्रजीत के खिलाफ हो जाते हैं। तो बात हम यहाँ राजनीति की नहीं कर रहे, लेकिन बात बताना चाहते हैं रेवाड़ी जिले की। रेवाड़ी का जो भी विकास हुआ है वो विकास हुआ है NCR के नजदीक लगने से, दिल्ली और गुड़गांव के नजदीक लगने से। लेकिन अगर अहिरवाल के तरीके की बात करें तो अहिरवाल में यहाँ पे जितने भी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं वो ज्यादातर जाट नेता ही रहे हैं और उन जाट नेताओं ने अहिरवाल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है, सबसे बड़ा सत्य है, जिस कारण यहाँ की जो राजनीतिक पहचान है वो तो बन पाई लेकिन यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। और जब दगा अपना ही देते हो तो गैरों से भला शिकायत क्या करना, जब यहाँ के खुद के जो बड़े नेता हैं वो विकास नहीं करवा पाए तो उन जाट नेताओं को क्या कहें या क्या उनसे उम्मीद रखें कि वो यहाँ का विकास करवा पाएंगे। जो राजनीति की धुरी यहाँ घूमती है वो जाटों को ज्यादा रास आती नहीं है, जितने भी जाट नेता रहे हैं। हालांकि कुछ एक
नेताओं की छवि बनाने की कोशिश ये भी रही कि ये जाट नेता पूरे हरियाणा के बारे में सोचते हैं, जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। हकीकत में ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि आप अगर उनकी जगहों पर जाकर के देखेंगे तो आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा कि काम कहां पे हुआ था और कहां पे नहीं हुआ था, क्या जातिवाद हुआ था नहीं हुआ था, या भेदभाव रेवाड़ी के साथ हुआ या नहीं हुआ था, उसके पीछे के जो कारण है वो ये रहे। लेकिन अब रेवाड़ी का विकास करना पड़ेगा क्योंकि अब जनता सवाल पूछने लगी है, क्या सिर्फ नाम पे वोट मिलते रहेंगे, ये जनता के सामने भी बड़ा सवाल है और इन राजनेताओं के सामने भी एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।